Assalamualaikum, hello friend, welcome to my YouTube channel. मैं नाम मौसम करम, आप देख रहे हैं हिलपन चैनल को। So guys, आज के टेक वीडियो टॉपिक है YouTube वीडियो पे आई बटन ऐड कैसे करें। जैसे कि आप देखते हैं मेरे ऊपर पे आई बटन आ गया, तो आप अपने वीडियो में, अपने YouTube चैनल में, अपने खुद के वीडियो पे आप भी आई बटन लगा सकते हैं और दूसरे वीडियो का लिंक वहाँ से डाल सकते हैं। तो कैसे होगा, कैसे करना पड़ेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसको सीखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। तो गाइस, इससे क्या होगा, अगर आप उस वीडियो का लिंक वहाँ पे देंगे ना, और उस जो भी व्यूअर्स आपका जो वीडियो वॉच करेगा वो देखेगा, वहाँ पर क्लिक करेगा तो उसका जो वीडियो का लिंक उसको मिल जाएगा वहाँ पे, तो इसलिए वो लगाते हैं। तो गाइस, अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर आप पुराना वीडियो में भी लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा वो स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा। तो गाइस आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने YouTube पे, और YouTube ओपन करने के बाद आपको आपके चैनल के चैनल पे जाना पड़ेगा। तो चैनल पे जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये और नाइन तरफ ऊपर देख सकते हैं आपका चैनल का लोगो है, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके सामने क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा योर चैनल, थोड़ा लोडिंग हो रहा है इसलिए मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, इसलिए लोडिंग हो रहा है। आ गया योर चैनल, तो आप योर चैनल पे क्लिक करेंगे, तो योर चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो आप इनमें से कौन सा वीडियो, यानी मतलब कौन से वीडियो में आप आई बटन ऐड करना चाहते हैं, उस वीडियो पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक वीडियो पे क्लिक करूँगा, ये वाला वीडियो पे मैं अभी करूँगा, कौन सा वीडियो, ये वाला वीडियो मैं करूँगा, आई बटन लगाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आई बटन ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा इस बारे में, इसलिए मैंने आई बटन इस वीडियो में नहीं लगाया। तो आई बटन लगाने के लिए आपको इस वीडियो पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो आपको जाना पड़ेगा नीचे, और आपको यहाँ पे आएगा एनालिसिस, और एक और है एडिट वीडियो, तो आपको एडिट वीडियो पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप अपने वीडियो के बारे में जो जो लिखा है यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। टैग्स देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे आई कार्ड्स लिखा है, आपको यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वीडियो प्लेलिस्ट चैनल लिंक। तो फिर अभी जाए देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो मतलब यहाँ पे लाइन है ना, लंबी लाइन है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए आप वीडियो में जहाँ भी ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप वीडियो का लिंक देंगे या किसी और का, या फिर लिस्ट का या चैनल का, तो फिलहाल मैं एक आपको वीडियो का लिंक देकर दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो वीडियो पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको एक वीडियो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी वीडियो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे वो वीडियो आपको आई बटन पर दिखाई देगा। फिलहाल मैं एक बढ़िया इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जब क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो देखिए एक वीडियो यहाँ पे सेव हो गया, और दूसरा यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक मतलब यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, हो गया। उसके बाद फिर से कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो कार्ड पे क्लिक करेंगे ताकि सामने वीडियो पे क्लिक करेंगे ताकि सामने एक और वीडियो का मतलब जितना भी वीडियो था आपके मतलब यूट्यूब चैनल में सब फिर से यहाँ पे शो करेगा। तो फिलहाल मैं फिर से मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, मेरा दूसरा वीडियो यहाँ पे आई बटन पे लग गया। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चैनल का मतलब वीडियो का लिंक यहाँ पे आ गया आई बटन पे। उसके बाद फिर से मैं दूसरी जगह पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर से मैं कार्ड पे क्लिक करूँगा, मैं एक और वीडियो ले लेता हूँ, कोई भी वीडियो आपको जो मर्जी आप वीडियो यहाँ से ले सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो इसका ले लिया, उनका फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक और वीडियो मैं यहाँ से ले लूँगा, कार्ड पे क्लिक करूँगा, वीडियो कोई भी वीडियो यहाँ से ले लीजिए, मैं ये लेता हूँ मल्टी लिंक का, चार हो गया। एक और वीडियो ले लेता हूँ, आखिर में कार्ड पे जाऊँगा, वीडियो तो एक वीडियो ले लीजिए, ये मैंने ये वाला वीडियो ले लिया। अच्छा, तो दूसरा वीडियो भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको मन में जो सुना है वो ले सकते, ये वीडियो मैं ले लेता हूँ।
हो गया गाइस, मैंने अभी 5 वीडियो मैंने आई बटन में लगा दिया। तो आप देखेंगे, आप आई बटन पे मतलब पूरा वीडियो में आप 5 वीडियो यहाँ से लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसके जरिए इसको मैं आप डिलीट के आखिर में जो मैंने दिया ना उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके बदला आप यहाँ से आपका जो चैनल का जो प्ले लिस्ट है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप प्ले लिस्ट पर करेंगे क्लिक, और अगर जो प्ले लिस्ट में एक मेरा एक ही प्ले लिस्ट है जिसमें 56 वीडियो अपलोड हुई है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका जो प्ले लिस्ट है यहाँ पे ऐड हो गया। उसको आप ऊपर जाएंगे, आप यहाँ पे सेव और डिस्कार्ड का चेंज आएगा, तो मैं सेव करूँगा। जब सेव करेंगे आपको जो वीडियो जितना भी मतलब अभी आई बटन में आपने वीडियो ऐड किया ना, पूरा वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा जो वीडियो अभी सेव हो गया, आप देख रहे हैं आई कार्ड पे पूरा वीडियो यहाँ पे सेव हो गया। तो जब भी आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपके सामने आपको सामने उस जितना सेकंड बाद आपने वो आई बटन लगाया ऑटोमेटिकली वो वीडियो के ऊपर आ जाएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और गाइस, अगर YouTube से रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इस हेल्प पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और नए से नए वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, और मुझे वीडियो कैसे मतलब आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।